हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो ये टर्मिनोलॉजी जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगी या फिर पढ़ने को मिलेगी जो डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं यानी कि जब पेशेंट जो डॉक्टर के पास जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए और पेश डॉक्टर जो है डायग्नोस करने के बाद यानी कि पूरा ऑब्जर्व करने के बाद पेशेंट को जो उसके लिए ट्रीटमेंट लिखता है या जो मेडिसिन लिखता है तो उस पर ये जो मेडिकल टर्म्स हैं वहाँ पर ये काफ़ी यूज़ की जाती हैं तो जब भी अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ करेंगे तो वहाँ पर आप पेशेंट का जो डिस्क्रिप्शन होती है या पेशेंट का जो चार्ट होता है जो डाइ जो डॉक्टर डायग्नोस करते हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें ये टर्मोलॉजी जो है आपको दिखेगी तो क्या मीनिंग होता है इन टर्मनोलॉजी का वही सब चीज़ें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले होता है आर कि जब भी पेशेंट जब डॉक्टर चेक करते हैं पेशेंट को तो जो डॉक्टर है वो जो चार्ट होता है जो स्लिप बनी होती है पेशेंट की उस पर आर एक्स लिख देते हैं आर एक्स मीन्स उसका ट्रीटमेंट पेशेंट का ट्रीटमेंट होना है ठीक है अगर एच एक्स लिखते हैं तो मतलब हिस्ट्री पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है पास्ट हिस्ट्री और कि पेशेंट को पास्ट में कोई जो है प्रॉब्लम हुई हो डिज़ीज़ कोई पेशेंट को हुई हो ठीक है पास्ट हुआ प्रेजेंट हुआ तो ये सारी हिस्ट्री ली जाती है डी एक्स मिक्स मीन्स होता है डायग्नोज करना पेशेंट का भी डायग्नोज होना है क्यू मीन्स एवरी क्यू डी मीन्स एवरी डे ठीक है यानी कि जब भी कोई अगर मेडिसिन पेशेंट को लिखता है डॉक्टर तो वहाँ पर वो मेडिसिन का नाम और क्यू डी लिख देगा यानी कि पेशेंट को वो मेडिसिन जो वो एवरी डे लेनी है क्यू ओ डी एवरी अदर डे क्यू एच एवरी आर एस मीन्स विदाउट डबल एस मीन्स ऑन हाफ सी मीन्स विद एस ओ एस मीन्स इफ़ नीडिड ए सी मीन्स बिफोर मील बी पी सी मीन्स आफ्टर मील बी आई डी ट्वाइस अडे टी आई डी थ्राइस अडे ये जो आपको बी आई डी टी आई डी क्यू आई डी ओ डी बी टी ये जो चार पाँच टर्म्स हैं ये आपको हमेशा ही आपको हमेशा याद भी रखनी है और आपको ये प्रिस्क्रिप्शन uh, में दिखेगी ही दिखेगी बीआईडी यानी कि ट्वाइस अ डे जो मेडिसिन लेनी है पेशेंट ने वो दिन में दो बार लेनी है टीआईडी थ्राइस अ डे यानी कि तीन बार मेडिसिन जो है पेशेंट ने लेनी है क्यू आई डी फोर टाइम अ डे ओ डी मीन्स वंस अ डे बी टी मीन्स बेड टाइम एच एस मीन्स बेड टाइम और बी बी एफ कि बिफोर ब्रेकफास्ट उसके बाद आती है इसमें बी डी बिफोर डिनर टी डब्ल्यू ट्वाइस अ वीक एस क्यू सब क्यूटेनस आई एम इंट्रामास्कुलर आई डी इंट्राडर्मल और आई वी यानी कि इंट्रावेंस यानी कि ये जो आई एम आई डी आई वी है ये क्या है ये जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ठीक है थीके? अगर पेशेंट कोई इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करता है पेशेंट को तो वो सिर्फ आई एम लिखेगा यानी कि जो इंजेक्शन है वो आई एम के थ्रू लगाना है या फिर एस क्यू यानी कि सबकी लगाना है आई डी यानी कि इंट्राडर्मल पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है आई वी मीन्स इंट्रा वेंस यानी कि वेंस में इंजेक्शन लगाना है तो डॉक्टर जो है सिर्फ ये जो मेडिकल टर्म्स है सिर्फ यही यूज़ करते हैं क्यू एम एवरी मॉर्निंग क्यू पी एम एवरी नाइट क्यू फोर एच एवरी फोर आर क्यू ओ डी एवरी अदर डे एच एस एट दैट टाइम पी आर एन एज नीडिड पी ओ और पी पर ओ एस बाई माउथ ए सी मीन्स बिफोर मील पी सी मीन्स आफ्टर मील्स एम जी मीन्स मिलीग्राम्स एम सी जी यू जी माइक्रोग्राम जी और जी एम एन के ग्राम्स वन टी एस एफ या फिर वन टेबल स्पून अगर लिक्विड में कोई मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं तो वो क्या लिखेगा वन टी एस एफ यानी कि वन टी स्पून यानी कि एक चम्मच लेना है एक चम्मच में कितना होता है फाइव एम एल और अगर वो वन टी स्पून लिखता है उसमें भी फिफ्टीन एम एल तो ये कुछ मेडिकल टर्म्स है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन में दिखेंगी जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है पेशेंट्स को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपको ये चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए क्योंकि इसके इसको देख करके ही आप पेशेंट को मेडिसिन देंगे ठीक है नर्सिस का क्या काम होता है पेशेंट का केयर करना केयर कैसे की जाएगी उनकी प्रॉपर टाइम पर मेडिकेशन देना और एग्जैक्ट मेडिकेशन देना और ये टर्मनोलॉजी आपको प्रिस्क्रिप्शन में दिखेगी और अगर आपको ये टर्मनोलॉजी नहीं पता होगी तो आप जो है मेडिसिन प्रॉपर नहीं दे पाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग